A genius is not born, but educated and trained. Genius पैदा नहीं होते बल्कि education और training के साथ environment के साथ hard work के जरिए बनाए जाते हैं। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, किसी भी चीज का innate talent नहीं होता। अगर कोई इंसान किसी फील्ड में जीनियस कहलाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके हार्ड वर्क के जरिए, उसके इन्फ्लुएंस, जो उसका एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है, उसके जरिए वो जीनियस बन जाता है किसी खास फील्ड का। और इसी को प्रूव करने के लिए लैज़लो पॉलगर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। लैज़लो पॉलगर एक टीचर और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। वो हार्ड वर्क पे इतने फर्म बिलीवर थे हार्ड वर्क के, और जो इन्फ्लुएंस है एनवायरमेंट का, कल्चर का, कि उसने ये एक्सपेरिमेंट अपने ही बच्चों पर टेस्ट करना चाहा। और इसलिए इसने एक लड़की से शादी की और इनके तीन बच्चे हुए, सुजैन, सोफिया एंड जुडिट। और इन तीन बच्चों को फैमसली पॉलगर सिस्टर्स कहा जाता है। शायद आपने सुना भी होगा, ये चेस के ग्रैंड मास्टर्स, जीनियस रह चुके हैं। मेरे दोस्तों, इनमें कोई इनेट टैलेंट नहीं था चेस खेलने का, लेकिन इन्हें पॉलगर ने एक ऐसे एनवायरनमेंट में अपब्रिंग किया, ऐसे एनवायरनमेंट में इन्हें परवरिश की कि ये उस चेस फील्ड के जीनियस बन गए। मेरे दोस्तों, सुजैन 5 साल की उम्र में वो चेस खेलने लगे, और कुछ ही महीनों के बाद, क्योंकि अपब्रिंगिंग इस एनवायरनमेंट में हो चुकी थी, इसके घर की दीवारों के चारों तरफ चेस, उस वक्त के जो चेस प्लेयर्स थे, सबसे बड़े चेस प्लेयर्स थे, उनकी तस्वीरें लगा करती थी। उसके घर में खाली चेस बुक्स रहा करती थी, जिसकी वजह से 5 साल की उम्र में चेस खेलना शुरू किया, और 5 और 6 महीने के बाद वो अपने से बड़े बड़े चेस प्लेयर को चेस में मात देने लगे। नॉट बिकॉज ऑफ हिज हर इनेट टैलेंट, बट बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरी जो इनकी बेटी थी, जिसका नाम सोफिया था, उसने 5 साल की उम्र में चेस खेलना शुरू किया, और कुछ ही महीनों के बाद वो अपने फादर को भी चेस में डिफीट करने लगी। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम जुडिथ था, जुडिथ ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिए। जुडिथ ने चेस खेलना शुरू किया, और चेस खेलते खेलते जितने भी टूर्नामेंट्स थे, जुडिथ ने हर एक को मार दिया। उस वक्त के जो सबसे बड़े चेस प्लेयर थे, सिर्फ 12 साल की उम्र में जुडिथ ने उसे डिफीट किया, और 27 की उम्र में जुडिथ एक ओनली फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर बनी। इस तरह लैज़लो पॉलगर ने यह साबित किया कि जीनियस पैदा नहीं होते, जीनियस इज नॉट बॉर्न बट एजुकेटेड एंड ट्रेंड। थैंक यू।